मैंने सुना है, मैंने मैंने ये सुना है कि उनका ना एटीट्यूड उतना अच्छा नहीं है, उनके साथ कुछ गड़बड़ है, काफी समझाया है उन्हें, वो मान नहीं रहे हैं बात। 30-31 की उम्र में आप ये नहीं बोल सकते ये लड़का हमारा फ्यूचर है, हम इसे ग्रूम करेंगे। इंडिया वर्सेस श्रीलंका क्रिकेट सीरीज T20 अगर ओडीआई खत्म है बेसिकली ऑल सेंस एंड पर्पसेस, हम 2-1 जीते T20 सीरीज और वनडे सीरीज 2-0 से हम ऊपर है, एक मैच बचा है उसका कुछ खास इंपॉर्टेंस बचा नहीं है, तो टेक्निकली सारा ये टूर खत्म है। एट दिस पॉइंट इन टाइम हमने एटलीस्ट इस साल की शुरुआत बहुत स्ट्रॉन्ग करी है, इस साल का हमने बहुत तगड़ा स्टार्ट मारा है, पर इस टाइम पे बहुत एक बड़े और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या क्या एक्चुअली अब हमारे ऑफिशियली T20I कैप्टन हैं परमानेंट, क्या रविंद्र जडेजा जब भी फिट होते हैं अक्षर पटेल की जगह एक्चुअली टीम में बस आ जाएंगे या उनको कुछ अलग से करना पड़ेगा IPL में और डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, क्योंकि अक्षर पटेल बहुत जेन्युइन खेल रहे हैं। एंड वन मोर बिग वन, पृथ्वी शॉ को T20I टीम में ले तो लिया है हमने, पर उनको एक्चुअली चांस मिलेगा क्या? हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स ओके। आज बात कर रहे हैं हम इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज के बाद जो बड़े डिबेट्स और बड़े क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं उनकी, न्यूजीलैंड सीरीज और ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले दो टेस्ट मैचेस की टीम्स जो रिलीज हो गई हैं ऑलरेडी उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं हमारे कंफ्यूज्ड सिलेक्शन पॉलिसीज की, जो कि अगेन बहुत बार हो चुकी है बट हमें हर हफ्ते हर तीसरे दिन कुछ नया मिल जाता है, तो व्हाई नॉट। पहला सबसे, हार्दिक पांड्या क्या एक्चुअली अब हमारे ऑफिशियल परमानेंट T20I कैप्टन है? वर्ल्ड कप के जस्ट बाद हमने देखा था न्यूजीलैंड सीरीज जो हमारा T20I था उसमें हार्दिक पांड्या कैप्टन थे, अभी श्रीलंका वाले T20I सीरीज में वो कैप्टन थे, वनडे में भी उनको वाइस कैप्टन बना दिया जबकि KL राहुल टीम में थे, तो दैट इज अ पॉजिटिव स्टेप मेबी, आई थिंक सो एट लीस्ट मेरे ओपिनियन में एट दिस पॉइंट इन टाइम इट सीम्स लाइक दैट। और अब जो न्यूजीलैंड की सीरीज टीम्स अनाउंस हुई हैं उसमें भी जो T20I लेग है उसमें भी हार्दिक पांड्या ही कैप्टन है, रोहित शर्मा टीम में है ही नहीं। एंड एक और उसमें सवाल निकल कर आता है, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दोनों का T20I का सफर, इंटरनेशनल T20I का सफर खत्म हो गया है? क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद से T20 या वर्ल्ड कप के बाद से उन्होंने कोई भी इंटरनेशनल T20 मैच नहीं खेला है, और एक दिख रहा है कि एक नई डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं हम एज अ ओवरऑल पॉलिसी, कि राहुल त्रिपाठी जैसे प्लेयर्स को चांसेस मिल रहे हैं, अब पृथ्वी शॉ को भी न्यूजीलैंड वाली सीरीज में T20 स्क्वाड में डाल दिया है, रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक द एंड ऑफ द रोड T20 जहां तक कंसिडर होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनको रेस्ट दिया हो श्रीलंका वाली सीरीज इमीडिएटली बांग्लादेश वाली सीरीज के बाद थी, तो T20 से उनको रेस्ट हो सकता है दिया हो, ये वर्ल्ड कप ईयर है, ODI वर्ल्ड कप ईयर है, तो उतना ज्यादा फोकस नहीं है T20 पे अभी, बस वो टैलेंट पूल और स्क्वाड डेप्थ बनाने पे ज्यादा फोकस है शायद। एटलीस्ट ये उड़ती उड़ती खबर तो आई थी कि यार श्रीलंका वाली सीरीज में रोहित शर्मा पूरी तरह फिट नहीं है अभी और विराट कोहली को रेस्ट दिया गया है, इवन KL राहुल को फॉर दैट मैटर। अब जो न्यूजीलैंड वाली T20I सीरीज है, वनडे T20I दोनों से KL राहुल बाहर हैं फॉर सम फैमिली कमिटमेंट, मोस्ट लाइकली उनकी शादी होने वाली है बट हुआ बी टू स्पेकुलेट एट दिस पॉइंट। विराट कोहली और रोहित शर्मा के और ज्यादा वो लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल आ रहे थे कि अब हो सकता है अगले जो वर्ल्ड कप है 2024 में जो T20I वर्ल्ड कप है उस तक उतना ज्यादा प्लान्स में फिट ना बैठे, उनका स्टाइल ऑफ प्ले उतना ज्यादा प्लान्स में फिट ना बैठे, तो लुकिंग एट दीज टू सीनियर प्लेयर्स इट इज स्लाइटली सैड, बिकॉज ऐसा नहीं है कि इनकी यूटिलिटी बिल्कुल नहीं है, हमने अभी थोड़े दिन पहले भी बात की थी कि एक ऐसा प्लेयर जो टीम को चला सके अपने आसपास इन अ बैटिंग ऑर्डर टॉप ऑर्डर में आपको चाहिए, और इन दोनों से अच्छा एट प्रेजेंट कोई नहीं है, हमने ये देखा भी श्रीलंका वाली सीरीज में T20 वाले जो 3 मैचेस की सीरीज थी उसमें जो सेकंड मैच था उसमें काफी तगड़ा बैटिंग कोलैप्स हुआ हमारा, और आखिरी में अक्षर पटेल ने आके जो बस धुआं मचा दिया उस, अगर वो वाली इनिंग्स ना होती, वो 60 रन की इनिंग्स जो उन्होंने मारी थी उसके वो ना होती तो हम काफी बुरा हारते वो वाला मैच, क्योंकि एकदम से सारे आउट हो गए थे और कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि एक एंड थोड़ा सा रोक के खेल सकता है, एंड दैट इज द बिग बिग डील, बिकॉज हमारे जितने भी बैटिंग कोलैप्सेस होते हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट मैचेस में होते हैं, तो हमें एक बंदा, और अगेन ये एक ट्रेंड आप देखो हर टीम इंटरनेशनली या डोमेस्टिक और व्हाटएवर, सब टीम के पास एक्सप्लोसिव बैट्समैन होंगे ऊपर से नीचे तक सारे, बट एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो थोड़ा सा संभाल ले पूरा अपने आसपास, एंड इन दोनों प्लेयर्स में वो कैपेबिलिटी है, तो ऐसा नहीं है कि इनकी यूटिलिटी बिल्कुल नहीं है, एंड फॉर दैट रीजन जो आने वाला IPL है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर दीज गाइज टू शो कि वो अभी भी क्या कर सकते हैं, किस लेवल पे कर सकते हैं और कई लोगों से अच्छा कर सकते हैं, तो आई एम होपिंग कि वो ऐसा कुछ कर दें एंड
थोड़ा सा एक और हेडेक दे दें सेलेक्टर्स को। अगेन इस तरह का टैलेंट, इस तरह का लेजेंडरी टैलेंट ऐसे बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते आप, एंड आई एम होपिंग कि ये कुछ अच्छा कर जाए आईपीएल में। बट कमिंग बैक टू द T20 कैप्टन वाला और रोहित शर्मा एंड विराट कोहली नॉट बीइंग द स्क्वाड, अगेन हो सकता है कि सिंस ऑस्ट्रेलिया वाली टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर सीरीज इमीडिएटली न्यूजीलैंड वाले सीरीज के बाद शुरू हो रही है, T20 सीरीज के बाद कुछ 6-7 दिन का गैप है बस, तो अगेन इट कुड बी अ केस ऑफ रेस्ट। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम यही लग रहा है कि हार्दिक पांड्या गोइंग फॉरवर्ड हमारे T20 टीम के कैप्टन होने वाले हैं, इंडियन मेन्स T20 टीम के कैप्टन होने वाले हैं, एंड ऑनेस्टली नॉट एग्जैक्टली अ बैड चॉइस। IPL वो जीते अपने पहले ही स्टिंट में गुजरात टाइटंस के साथ, अभी तक जो भी इंटरनेशनल मैचेस में कैप्टनसी करी है उन्होंने काफी कंपोज्ड, काफी अश्योर्ड दिखे हैं, काफी एक प्रोग्रेसिव लीडरशिप दिखी है उनकी, तो दिस इज नॉट द वर्स्ट ऑप्शन एट दिस पॉइंट। एंड एट दिस पॉइंट एक सिर्फ एक कंसर्न निकलता है, हार्दिक पांड्या का इंजरी, जो मैं ये भी नहीं बोल रहा कि उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है इंजरी का जो कि है, बट वाई शुड आई कीप सेइंग दैट, एक डर है सिंस ही डज सो मेनी रोल्स, ऑलराउंडर हैं वो, बैटिंग भी पूरी करते हैं, बॉलिंग भी पूरी करते हैं, तेज बॉल फेंकते हैं, तो इंजरी का रिस्क काफी बढ़ जाता है, और ऐसे में वो एक थोड़ा सा फियर रहेगा कि आपने किसी को परमानेंट कैप्टन बनाया और गलती से भी इंजरी हो गई, थोड़ी सी भी लंबी टर्म हो गई तो टीम थोड़ी सी डीरेल हो जाती है। आई नो सूर्य कुमार यादव को पिछले 2 सीरीज से वाइस कैप्टन देख रहे हैं हम, बट अभी तक वो उतना ज्यादा नहीं दिखे हैं कैप्टनसी रोल में। हार्दिक पांड्या को हमने पिछले 1 साल में काफी डेवलप होते देखा है इस पर्टिकुलर रोल में, तो वो एक थोड़ा सा डर है बस, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि वरी है, कंसर्न है, शायद ये वो डर है बस, एंड आई एम होपिंग ये डर कभी फोरफ्रंट पे ना आए। T20 सेटअप में ही अगर रुके तो एक नाम जिसके काफी टाइम से बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा था, पृथ्वी शॉ, ये प्लेयर पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा जेन्युइन परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पे, हर फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेले हैं। अभी 2 दिन पहले इन्होंने रणजी गेम में 379 मारे हैं, विच इज अ बिग डील, और काफी तेज मारे हैं बाय द वे, ऑलमोस्ट 80-85 का स्ट्राइक रेट, तो इट इज नाइस उनको देखना कि यार उनको फाइनली टीम में जगह तो मिली है कम से कम, इतने टाइम बाद, काफी टाइम पहले वो बाहर हुए थे टीम से, बीच में काफी लोगों ने काफी सारी बातें करने की कोशिश की, कुछ रिनाउंड जर्नलिस्ट तो ऐसे बैठ के बस, मैंने ये सुना है कि उनका ना एटीट्यूड उतना अच्छा नहीं है, उनके साथ कुछ गड़बड़ है, काफी समझाया है उन्हें, वो मान नहीं रहे बात। ही इज फाइनली इन द टीम, एटलीस्ट ही इज फाइनली गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ चांस, आई एम होपिंग ही गेट्स अ चांस, बिकॉज अभी जो हमने देखा श्रीलंका वाले में ईशान किशन और शुभमन गिल ने ओपनिंग करी थी, ऋतुराज गायकवाड़ ऑलरेडी टीम में है, तो पृथ्वी शॉ एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट फोर्थ चॉइस है, एंड इन माय ओपिनियन एटलीस्ट पृथ्वी शॉ और ईशान किशन को अगर ओपनिंग आप भेज दो तो बहुत ही ज्यादा फन और एंटरटेनिंग ओपनिंग कॉम्बो होने वाला है वो, लेफ्ट राइट एक, तो उसके बाद ये दोनों प्लेयर रुकते नहीं है, दोनों लिटरली बस उनको ये लगता है कि बस बॉल फाड़ दो, तो ऐसे में अगर आप T20 स्टार्ट देख रहे हो, अगर आप ये देख रहे हो कि T20 गेम में आपको एक्सप्लोजिव स्टार्ट चाहिए, पहले 6 ओवर का बहुत अच्छे से यूज होना चाहिए, अभी के टैलेंट पूल के हिसाब से ये दोनों सबसे ऐप प्लेयर्स हैं। आई रियली होप पृथ्वी शॉ को एटलीस्ट एक गेम तो मिले और ईशान किशन के साथ ओपनिंग करते हुए वो फोड़े। अब चॉइसेस की अगर बात हो रही है तो एक बड़ा डिबेट आने वाला है बस, इट इज ऑलमोस्ट हियर। अक्षर पटेल पिछले 4-6 महीने से बहुत ज्यादा जेन्युइन परफॉर्म कर रहे हैं, और पिछले 2 महीने में तो उन्होंने जिस तरह की बैटिंग भी अपनी इम्प्रूव करी है, बॉलिंग तो उनके सॉलिड थी, बैटिंग उन्होंने जिस लेवल से इम्प्रूव करी है, और श्रीलंका वाली सीरीज में तो उन्होंने जो भूत बनाया बोलर्स का हर मैच में जब जब चांस मिला उनको, मतलब रविंद्र जडेजा ऑलमोस्ट फिट है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो टेस्ट सीरीज है अपनी, उसके पहले 2 मैचेस के लिए उनको टीम में भी शामिल कर लिया गया है सब्जेक्ट टू हिज फिटनेस, वो लिखा भी हुआ था नीचे कि उनका इंक्लूजन इज स्टिल नॉट 100%, बट अगर वो फिट हो जाते हैं तो डज ही वॉक बैक इन टू द टीम, डज ही फाइंड इट ईजी टू गेट इन टू द टीम, क्या उनके लिए बहुत आसान होगा अक्षर पटेल की जगह लेना ऐसे ही बस, क्योंकि अक्षर पटेल ने कुछ गलत नहीं किया है, काफी लोग भी ये कह रहे हैं, गौतम गंभीर ने भी बोला था उनके लिए उन्हें काफी जूते हुए पड़े हैं फॉर सम रीजन, बट ही इज नॉट रॉन्ग, अक्षर पटेल ने जो जो उनसे उस रोल में डिमांड किया गया है टीम के द्वारा वो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ के परफॉर्म किया है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार बस हम तो वेट ही कर रहे थे जैसे जडेजा ठीक हो अक्षर बाहर, ही इज डन वेरी वेरी वेल, एंड काफी
काफी अनफेयर होगा अगर अक्षर को आप बोलते हो कि चलो बेटा आप बैकअप ही हो, पूरा साल आप बैकअप ही रहोगे, जब जडेजा अवेलेबल नहीं होंगे तब आप खेलोगे। जडेजा अगस्त 2022 से नहीं खेले हैं टीम के लिए इंटरनेशनल में, एंड अक्षर पटेल ने उस टाइम में उतनी ज्यादा कमी नहीं महसूस होने दी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जडेजा से अगर बॉलिंग कंपेयर करो स्पेशली लिमिटेड ओवर्स में, तो अक्षर पटेल की बॉलिंग 10-20% ऊपर ही होगी, कम कहीं से नहीं है, बराबर से भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर ही है वो बॉलिंग में। बैटिंग में ऑब्वियसली जडेजा इज अ मोर अकॉम्प्लिश्ड बैट्समैन, बट अक्षर धीरे धीरे वहां तक पहुंच रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। ठीक है, टेस्ट मैच सीरीज में आपका ये हो जाता है कि इंडियन कंडीशंस हैं तो आप जनरली 3 स्पिनर खिलाते ही हो, तो इट कुड बी अ केस ऑफ कि जडेजा आते हैं तो अक्षर की जगह नहीं, कुलदीप यादव की जगह आते हैं टीम में, विच विल ऑल्सो बी स्लाइटली नॉट एग्जैक्टली द बेस्ट आइडिया, बिकॉज आपको थोड़ी सी वराइटी अक्षर पटेल अश्विन के साथ एक वराइटी आप अगर स्पिनर खिला लेते हो तो एक अलग चैलेंज बनता है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के लिए, तो वो एक बड़ा बड़ा सिलेक्शन हेडेक होने वाला है मैनेजमेंट के लिए, कैप्टन रोहित शर्मा के लिए, कोच राहुल द्रविड़ वगैरह इन सब के लिए। आई थिंक जडेजा को मेरे ख्याल से कम 1-1.5 महीना थोड़ा सा डोमेस्टिक में कुछ ना कुछ तो खेलना चाहिए बिफोर कमिंग स्ट्रेट इनटू द टीम, बिकॉज अभी जो रिसेंटली कुछ मीटिंग भी हुई थी बीसीसीआई की, उसमें उन्होंने बोला भी था कि कोई भी प्लेयर वापस आता है तो हम उनसे बोलेंगे कि डोमेस्टिक खेल के आओ। इट इज नॉट हैपनिंग, बट इट शुड हैपन, इट शुड बी इन्फोर्स्ड अ लिटिल मोर। कुलदीप यादव की हमने बात की अभी थोड़ी सी, एंड टेस्ट मैचेस में एटलीस्ट वो जो थर्ड स्पिनर वाला स्लॉट है वो उनके लिए कन्फर्म होना चाहिए, बिकॉज अभी बांग्लादेश वाली सीरीज में भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, एक जो पहली इनिंग में 5 विकेट ले लिए थे उन्होंने। अब एक जो थोड़ा सा क्वेश्चन आना शुरू हो रहा है धीरे धीरे, एक टाइम पे जो हमारी फेम्ड स्पिन जोड़ी थी कुलचा कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, वो ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुकी है और वो अब उनमें से एक ही खेलता है पिछले 2-3 साल से। अब इतने टाइम से चहल वॉज द प्रेफर्ड स्पिनर, वो अलग बात है उनको भी पूरे साल खिलाया, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया फॉर वॉट एवर रीजन। धीरे धीरे एक ट्रेन ऑफ थॉट बन रहा है और कुलदीप यादव अपनी परफॉर्मेंसेस से ये फोर्स कर रहे हैं थॉट कि क्या कुलदीप यादव स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में थोड़े से ज्यादा बेटर ऑप्शन है चहल से, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ओडीआई में खासकर चहल का उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है और कुलदीप यादव को जब जब चांस मिला उन्होंने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है टीम के लिए। अभी श्रीलंका वाली सीरीज में भी सेकंड ओडीआई में वो मैन ऑफ द मैच थे, चहल को इंजरी हुई थी तब वो आए थे टीम में और सीधा मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस इज अ बिग डील। तो ऐसे में एक डाउट बनेगा, ठीक है आप ऐसा नहीं कह सकते कि बस अभी अगली सीरीज में ही आपको कुछ डिसाइसिव एक्शन देखने को मिल जाएगा, पर चहल पे धीरे धीरे प्रेशर बन रहा है फॉर श्योर, एंड गलती से भी 1-2 चांसेस और मिल गए उनको कुलदीप यादव को चहल की जगह लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में और उन्होंने परफॉर्म कर दिया, तो चहल के लिए वापस 11 में आना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, एंड अगेन दैट इज हाउ कॉम्पिटिशन गोज ऑब्वियसली, पर ये एक इंटरेस्टिंग सिनारियो बनता दिख रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब बात करते हैं हमारे सिलेक्शन और कंफ्यूजन की और हेडेक्स वगैरह की। टेस्ट मैच सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट केएल राहुल को कंटिन्यू रखा है एज वाइस कैप्टन, हम पिछले कुछ टाइम से वाइस कैप्टन हैं तो उतना ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है उस एंगल से देखो तो, पर वन डेज में से उन्हें ऑलरेडी वाइस कैप्टन हटा दिया गया है एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम एज द वाइस कैप्टन आप ऑलमोस्ट उनकी जगह इंश्योर कर रहे हो एंड एज एन ओपनर उनकी जगह इंश्योर कर रहे हो, जबकि शुभमन गिल पिछले कुछ टाइम से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज एन ओपनर। बांग्लादेश वाली सीरीज में केएल राहुल और शुभमन गिल ने ओपनिंग की थी बिकॉज रोहित शर्मा इंजर्ड थे, हमारे फुल टाइम कैप्टन शुभमन गिल ने उस सीरीज में भी बहुत तगड़ा आउट परफॉर्म कर दिया था केएल राहुल को, एंड आप केएल राहुल को एज द वाइस कैप्टन कंटिन्यू करके आप ये बता रहे हो शुभमन गिल को कि बेटा आपका चांस अभी उतने जल्दी नहीं आने वाला है, एंड दैट इज स्लाइटली अनफेयर ऑन हिम बिकॉज केएल राहुल का फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा रहा नहीं है, एंड ये एक धीरे धीरे बढ़ रही है डिबेट। ठीक है उन्होंने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया टीम को जीत तक लेके गए, पर उनकी परफॉर्मेंसेस कुछ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करती हैं और एक क्लियर केस ऑफ कि हाँ इस प्लेयर का हमने हाथ पकड़ के रखना है चाहे बाकी सारे जाए कुएं में, वो एक धीरे धीरे बनता आ रहा है। एक मैंने ट्विटर पे किसी का एक कमेंट देखा था कि संजू सैमसन इज ऑलवेज वन बैड परफॉर्मेंस अवे फ्रॉम बीइंग ड्रॉप्ड एंड कंप्लीटली फ्रॉम द स्क्वाड नॉट जस्ट फ्रॉम द टीम, और केएल राहुल का हमेशा ये केस होता है कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दूर है ये सबके कहने कि हाँ यही हमारा अगला फिर सब कुछ है ये हमारा आगे के लिए, एंड दैट प्रॉब्ली इज नॉट फेयर टू द अदर टैलेंट्स कमिंग अप बिकॉज
ऐसा नहीं है कि केएल राहुल टैलेंटेड नहीं है, ही इज ब्रिलियंट, ही इज वेरी वेरी टैलेंटेड, पर ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास उस लेवल का टैलेंट और कहीं नहीं है जो आ नहीं रहा है ऊपर। उस लेवल का टैलेंट और उससे शायद 1% ऊपर का ही टैलेंट हमारे पास ऑलरेडी स्क्वाड में है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस एक यार्ड स्टिक रखना पड़ेगा। एंड अगेन, केएल राहुल का ऐसा नहीं है कि वो नए प्लेयर हैं, उनको काफी सारे चांसेस मिले, काफी टाइम से वो खेल रहे हैं। 30-31 की उम्र में आप ये नहीं बोल सकते ये लड़का हमारा फ्यूचर है, हम इसे ग्रूम करेंगे। ही इज बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल, पिछले 7-8 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड अभी तक आप ये नहीं, आपको ये नहीं याद आएगा कि उन्होंने इंडियन टीम के लिए कुछ ऐसी अलग से इनिंग खेल दी हो जो सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर गई। अच्छा खेले हैं वो, सेंचुरीज भी मारी उन्होंने, पर वो इम्पैक्ट कभी भी नहीं दिखाया उनका। और अब एज द वाइस कैप्टन उन्हें अगर कंटिन्यू करते हो तो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं कर पाते हैं वो, अनफॉर्चुनेटली। आई रियली होप ही परफॉर्म्स मी एंड एवरीबॉडी एल्स रॉन्ग, पर मजा नहीं आया ये डिसीजन देख के, टू बी वेरी ऑनेस्ट। संजू सैमसन की अगर बात करें, उस बेचारे आदमी की किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। अभी किसी तरह वो टीम में आए थे, किसी तरह उन्हें T20 मैचेस में लगातार एक रन मिल रहा था, उन्हें किस रीजन से वनडे सीरीज से बाहर रखा गया पता नहीं, पर व्हाटएवर। उसके बाद उन्हें उस सीरीज के दौरान ही इंजरी हो गई, और मतलब अब न्यूजीलैंड वाले के लिए भी वो ही इज नॉट बीन डिक्लेयर्ड फिट। बुरा लगता है, मतलब वो जो दिल से बुरा लगता है भाई, क्योंकि ही इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर और वो अच्छा कर रहे हैं, उनको जब चांस मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग ही बहुत खराब परफॉर्म कर देते हैं, रैंडमली 10 में से 1 मैच खिलाओगे तो यार किसी का भी कॉन्फिडेंस हिट होगा। तो आई रियली होप कि उनका जो लक वाला फैक्टर है वो थोड़ा सा टर्न अराउंड हो जाए। सिलेक्शन न्यूज में एक और सिलेक्शन न्यूज है, अभी सूर्य कुमार यादव को टेस्ट सीरीज में भी इंक्लूड कर लिया गया है आफ्टर ऑल हिज एक्सप्लॉइट्स मोस्टली इन T20, क्योंकि उन्हें अभी वनडे सीरीज में भी टीम में जगह नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उनसे पहले केएल राहुल खेल रहे हैं। श्रेयस अय्यर को आप नहीं ड्रॉप कर सकते हो, बिकॉज ही इज बीन ब्रिलियंट इन द लास्ट 1 ईयर वनडे में खासकर। सूर्य कुमार यादव को अब टेस्ट सीरीज में इंक्लूड कर लिया गया है, पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए वो स्क्वाड में है। लग नहीं रहा उन्हें चांस मिलेगा खेलने का, बिकॉज अगेन श्रेयस अय्यर उनसे ऊपर है पैकिंग ऑर्डर में, और मिडल ऑर्डर में वो एक ही स्लॉट है, बिकॉज उसके बाद फिर कीपर का स्लॉट है, जो एट प्रेजेंट होना ऋषभ पंत का चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली वो एक्सीडेंट की वजह से वो अभी रिकवरी में ही है। थैंकफुली वो रिकवर कर रहे हैं एंड अच्छी रिकवरी चल रही है, पर अभी भी काफ़ी दूर है वो क्रिकेट पिच पे वापस आने से। तो अभी के लिए KS भारत और ईशान किशन को उस स्क्वाड में जगह मिली है एज विकेट कीपर्स। सूर्य कुमार यादव का उन 2 टेस्ट मैच में खेलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो आई नो इट्स ग्रेट न्यूज टेस्ट मैचेस में उनको इंक्लूड कर लिया गया, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली लॉजिकली स्पीकिंग ऐसा कोई बहुत एक्साइटिंग न्यूज नहीं है, क्योंकि उन्हें देखने को खास मिलेगा नहीं एज फैंस ऑफ हिज टैलेंट। इस पूरे सिलेक्शन और इस पूरे स्क्वाड अनाउंसमेंट में एक जो चीज निकल कर आई फिर से, इस पूरे सिलेक्शन न्यूज में, इस पूरे स्क्वाड न्यूज में एक जो एक और चीज निकल कर आई है, वो है जसप्रीत बुमराह अभी तक फिट नहीं है इंडियन टीम के लिए। अभी श्रीलंका सीरीज से पहले ही अनाउंसमेंट हुई थी कि वो उनकी रिकवरी हो गई है, अगस्त के बाद से वो भी नहीं खेले इंडियन टीम के लिए, उन्हें काफी सीरियस इंजरी हुई थी। पर ये आया था कि यार ODI स्क्वाड में इनको ऐड कर रहे हैं हम, बिकॉज ही हैज रिकवर्ड, पर फिर मैचेस शुरू होने से एक दिन पहले ही अनाउंसमेंट हुआ कि नहीं अभी उनको कोई सेटबैक हो गया है। एंड रोहित शर्मा ने भी बोला अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ही इज बीन वर्किंग रियली हार्ड एंड अनफॉर्चुनेटली एंड एवरीबॉडी वुड फील बैड फॉर अ क्रिकेटर, कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं रिहैब वगैरह के लिए, फिर उसके बाद एक और सेटबैक हो जाता है। न्यूजीलैंड वाली लिमिटेड ओवर सीरीज में वो नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले 2 टेस्ट मैचेस के स्क्वाड में भी वो नहीं इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे एक स्लाइटली वियर्ड क्वेश्चन, क्या IPL तक फिट हो जाएंगे? जनरली हो जाते हैं, बट अगेन नो ऑफेंस मेंट टू एनीबडी, आई रियली होप इंडिया के लिए भी फिट हो जाए उससे पहले, पर ये देख के थोड़ा सा अगेन अजीब लगता है यार कि आप IPL खेले, उसके बाद 2-3 महीने खेले, उसके बाद फिर पूरा साल फिर IPL। ऐसा आई होप पैटर्न ना बने, क्योंकि ये अगेन वर्ल्ड कप ईयर है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है जसप्रीत बुमराह के टैलेंट की और जसप्रीत बुमराह की कैपेबिलिटी की। आई रियली होप लोगों को ये बोलने का मौका उतना ज्यादा ना मिले, मेरे जैसे पागलों को, कि यार सिर्फ IPL खेलता है। आई होप ही रिकवर सून एंड ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज की आखिरी 2 टेस्ट मैच में हमें दिखे टीम के लिए खेलते हैं। What do you think? ये पूरा जो ड्रामा चल रहा है अभी इंडियन क्रिकेट टीम के अराउंड, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के अराउंड, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक प्लीज दबा दो, ताकि यूट्यूब से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आप तक पहुंचता रहे और आप इस स्पोर्ट्स लविंग कम्युनिटी का हिस्सा बन पाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।